आप लोगों ने कभी सोचा है खाली एक जूते के लिए कौन पुणे जाता है? सिर्फ हम लोग, बाकी कोई नहीं, क्योंकि कोई वेला नहीं बेटा, समझ रहे हो? सो व्हाट्स अप बॉयज, इस वाले वीडियो में आपका स्वागत है। बॉयज, आज इसके वजह से इंटरसिटी एक्सप्रेस छूट गया। अभी आज ही सुबह का 7 बज रहा है, ये देख लो ये क्या कर रहा है इधर बैठ के। व्हाट्सअप बॉयस, ये बात है 3 महीने पहले की। अपने भाई ने जूता लिया था पुमा ब्रांड का, अच्छा था, सुपर भाई से लिया था, एकदम सेक्सी जूता था, पर भाई को फिट ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग गए थे कुरियर वाले के पास। तो फिर कुरियर वाले के पास जाने के बाद वो बहुत रेट हाई बोला कुरियर करने का। उसके बाद हम लोग ने सोचा सीधा जाते पुणे। इसका वो जूता था, दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पे, तो देख लो पहले, एकदम सेक्सी जूता था। और वो स्टोर का मैनेजर था, वो एक नंबर, बहुत इतना अच्छा था ना, क्या बोलो, भाई जैसे निकला अपना। ऐसा कुछ सीन है इधर का। अभी हम पहुंच गए कल्याण में, कल्याण में देख लो बॉयस, ऐसा बैठे हैं। तो आप बस अभी हम लोग पहुंच गए लोनावला में, आज लॉन्ग डिले होगा। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would have left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone. We are in Pune. So we're in Pune. Boys, now we're in Pune. We're going to shoot our friend there. So boys, I couldn't shoot in Mumbai. That's why we're in Pune. So Pune is going to shoot our friend there. So boys, हम दोनों वैसे कुछ ऐसे इलाके में और उधर अपना पांडु लोग करे सेल्फी लेते हैं। सो बॉयज, अभी हम घूम रहे रिक्शा में पुणे, वाइब्स ऑन। आपको लगते है पुणे में किस काम के लाए हो, नीचे कमेंट में बता दो। बॉयज, वी एट द पॉइंट कोहिनूर रेस्टोरेंट, और ये अपना आगे दुकान है इधर ऊपर। हम लोग को अभी उधर जाना है ऊपर। ऊपर जाने से पहले गला ठंडा कर दे। पुणे का क्या वाइब्स आ रहा है, आप बोल कुछ भी नहीं सकते, समझ रहे हो? आपको एक चीज बताने का था, जैसे घोराई में आवारापन करते हम लोग, देख लो वैसे घूम रहे दोनों जन। तो बॉयज, उधर बहुत सारे जूते थे, भाई को फिर बहुत सारे चेक किया, फिर भी एक भी साइज फिट नहीं हुआ। वो फिर बहुत सारे शूज ट्राई करने के बाद भाई को एक भी फिट नहीं आया। तो स्टोर का मैनेजर बोला, जब भी आओ कौन सा भी जूता लेके जाओ, टेंशन फ्री, आपका पैसा इधर रहेगा, नो वरीज। उसका ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मन बदल लिया है। सो आज से हम लोग पुणे के अंदर ही रहेंगे, मुंबई कभी नहीं आएंगे, क्योंकि गोराई में देयर आर नो गर्ल्स ब्रो, व्हाट टू डू। सो भी पुणे इज ऑन। क्या बोला तूने? अभी सैमी के साथ राइड पे जा रहे हैं जैकेट लेके, इधर बहुत फेमस हो गया, तो व्लॉग बनाने चालू किया इसने भी, सैमी का जैकेट लेके जा रहे इसके लिए। व्हाट्स अप, तो ये भाई ने पूरा दुकान खरीद लिया आज के दिन पे। वाह भाई वाह, अरे तो हम लोग सुबह सुबह दादर गए थे, दादर से सीधा टिकट निकाला पुणे के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग सीधा पुणे ही गए, डायरेक्ट इधर उधर नहीं गए, पुणे सीधा डायरेक्ट उसके दुकान पे। तो भाई हम लोग बहुत थके थे दोनों जन, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे,
तो भाई उधर अपना बॉस था स्टोर का ओनर, इतना अच्छा था, वो बोला ऊपर जाओ बेड लगा के सो जाओ। थैंक्स भाई, थैंक्स बॉय। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कर लो, एकदम एक नंबर जूता मिलेगा आप लोग को। बॉयज अब सुबह भाई पुणे में आ जाओ, सब स्टॉक। ये भी जूता देख लो हाफ रेट पे बॉयज, 10,000-20,000 सब जूता हाफ रेट में। तो भाई जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। भाई का शूज का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ जब भी जूता लोगे सुपर बाय पुणे से लेने का। तो फिर कुछ देर बाद हम उधर से निकले, सीधा गए स्टेशन पे, ट्रेन लिया। फिर हम लोग को ट्रेन में एक कैबिन मिला एकदम एम्प्टी, वो रहता है ऐसा ही। सो बॉयज हम दोनों हर एक स्टेशन पे उतर रहे, मालूम नहीं क्यों फिर भी उतर रहे। हाँ भाया टीसी पे उसको भी लेके रखेगा मैं। तो इस भाई ने अपने को ये पूरा ट्रेन कैबिन फ्री में दे दिया है, थैंक यू बोल दो एक बार। के बाद हम लोग बैठे थे आराम से एकदम चिल करके, कैबिन में कोई नहीं था। तो भाई ये सेल्समैन ने ना इतना पकाया ना हम लोग को गोवा के वाइब्स बताते बताते। गोवा में ठंडी रहती इस समय में, ठंडी मतलब एकदम हवा चल रही है, ऐसा ऐसा ठंडी हवा लगी। गर्मी में अपन गेटवे ऑफ इंडिया जाते तो पंछी हवा लगा। ये बंदा हर स्टेशन जा पे रुक रहा है, इसे वो सब देख रहे हो, ये इतना भूखा है ना ट्रेन में बैठ के ये सब खा रहा है, वही पानी के साथ में। What's up boys? तो आप यहाँ आ चुके हैं मुंबई में, सब स्वैग भाई। मुंबई में नहीं, हम लोग ने गाड़ी पुणे मंगवा दिया। बॉयज पुणे का बैंड स्टैंड देख लो जरा, वेलकम टू पुणे, पुणे का बैंड स्टैंड। सो बॉयज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वो लाल वाला बटन है ना बटन, उसको ग्रे कर दो, सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि इसके बाद कंटेंट ऑसम होने वाला है।